हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, आज की जो वीडियो होगी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। प्लीज आप मेरी बात मान लेना इस वीडियो में, मैं जो बोल रहा हूँ वो करना। और आपने बिल्कुल सही पढ़ा, लाइन क्या लिखा है कि इकोनॉमिक्स में पास कैसे होना है। आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट ने 100 में से 100 स्कोर किया इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, पिछले 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ, कि मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे। वो 100% एक्यूरेट भले ही ना हो, क्योंकि इतना तो बता नहीं सकता कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जैक्टली वही आएंगे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, 13 क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी से, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो मुझसे। अगर आप इन 13 क्वेश्चन को अच्छे से कर लो तो गारंटीड आप कहीं भी बैठे हो पूरे इंडिया में, आपके पेपर में, इकोनॉमिक्स के पेपर में, क्लास 12 के पेपर में आप पास हो। 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, मैं बिल्कुल अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस चीज को बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। 100 out of 100 आए हैं और हर साल 95, 98, 99 तक स्कोर करते हैं बच्चे। और आप ध्यान रखो, 13 क्वेश्चन बस आपने बनाने हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अगर आपको भरोसा करना है तो कर लो, नहीं करना हो तो पेपर जब आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, उसके बाद एक बार 2 मिनट निकाल के वीडियो देख लेना। आपको क्वेश्चन इसके अंदर से ना मिले तब कमेंट सेक्शन में बता देना, आप जो भी बताना हो, ठीक है। तो अभी मैं 13 क्वेश्चन बता रहा हूं, सिर्फ इतना कर लो, पहले कॉपी पेन, वीडियो पॉज करो, फटाफट जाओ कॉपी पेन उठा के लाओ और कॉपी पेन में लिख लो इन 13 क्वेश्चन को। अब इनके आंसर्स कैसे करने हैं सॉरी क्वेश्चन तो सर बता दोगे आप, इनके आंसर्स कैसे मिलेंगे हमको और क्या वही आंसर करेक्ट होंगे। अब आंसर आपको अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना है, बस अपने टीचर से बोलो कि ये 13 क्वेश्चन है, हमें इनके आंसर बना के दे दो फटाफट। एक दो न्यूमेरिकल भी रखे हैं इसके अंदर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुल 11 है, 2 न्यूमेरिकल है। तो आप लोग इसके आंसर्स बना लो अच्छे से कॉपी में। अगर आपको मुझे दिखाना हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हो, मैं चेक कर लूंगा आंसर ठीक है या गलत है, इतना कर सकता हूं आपके लिए। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आंसर पूरा का पूरा बना के ही दे दूंगा आपको, इतना याद कर लेना, रट लेना। अभी आपके पास 17-18 दिन है या उससे ज्यादा ही दिन है आपके पास, आराम से पेपर निकल आएगा और आराम से क्लियर हो जाओगे आप, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो सरप्राइज है इसमें आपके लिए, मैं आपको पास करा दूंगा आपको 40 मार्क्स के सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, आप लोगों का प्रैक्टिकल हुआ है 20 मार्क्स का, उसमें 17, 18, 19, 20 तक मिले होंगे आपको, ओके। इसको छोड़ दो आप, हमें इसकी जरूरत नहीं है, मुझे आपको पास कराना है। इन 40 में से ही आपको 27 नंबर दिला देने हैं, ठीक है, 40 में से। अब लोगों को लगता है इंडियन इकोनॉमी मुश्किल है, इंडियन इकोनॉमी में कैसे याद होगा, छोड़ो इंडियन इकोनॉमी को, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। इंडियन इकोनॉमी बिना पढ़े ही, और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए यह है कि इंडियन इकोनॉमी इस साल पहली बार आया है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको उसके भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं आपको मैक्रो के अंदर या पास हो जाओ, क्लियर। इंडियन पूरा छोड़ भी देता है ना कोई पर्सन, तब भी पास हो सकता है, अगर ये मेरी वीडियो पूरा का पूरा एंड तक देख ले और बात मान ले तो। वीडियो देखने से पास नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, वीडियो देखा और पास हो ऐसा नहीं होता कुछ भी। वीडियो के अंदर जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताने हैं अभी, वो सारे के सारे क्वेश्चन जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही मैं आपको बता दूंगा 40 मार्क्स का। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी भी ऐसी चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे मैं एक और वीडियो बना दूंगा इंडियन इकोनॉमी के भी, लगभग 12-13 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा 40 में से 27 मार्क्स का गारंटीड आपका आ ही जाएगा। तो 1 मार्क की बात करें तो 1 मार्क के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, MCQs वगैरह, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है 1-1 मार्क के क्वेश्चंस की, वो भी बना लेना। 3 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ 2 पूछे जाएंगे, 4 नंबर के 3 क्वेश्चंस होंगे और 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। और अच्छी बात यह है कि सब में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, तो एक नहीं आया दूसरा, और ऑप्शन को मिलाकर जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हो जाएंगे 17 क्वेश्चन होंगे टोटल, और मैंने जो क्वेश्चन बताया वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में कवर होगा, नहीं तो मेन क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कर दो, और अगर सारे क्वेश्चन देख लो आप तो आप एक बार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा यही क्वेश्चन बनने वाला है। तो सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्टली कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ही, कोई भी टीचर बोलता हो कि मैं ये न्यूमेरिकल आएगा तो बिल्कुल मत मानना, न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि न्यूमेरिकल में आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों मेथड को पढ़ लेना, दोनों के फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना। नेशनल इनकम के पूरे न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, अगर आपको टाइम मिले प्लीज पढ़ लेना, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। इनकम एक्सपेंडिचर दोनों मेथड से फटाफट मैं बता देता हूं आपको, 3 मेथड होते हैं इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। पहला जो मेथड होता है आपका वो होता है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा जो मेथड होता है वो आपका इनकम मेथड, तीसरा जो मेथड होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको, पूरा का पूरा रिविजन भी साथ
में लेके चल रहा हूं, तो पूरा वीडियो स्टे करना, पूरा एंड तक देखना, भरोसा करना। पीडीएफ की डिमांड करते हैं, सर पीडीएफ दे दो पीडीएफ। अरे भाई पहले पढ़ तो लो, क्वेश्चन कॉपी में दो लाइन लिख तो लो, सिर्फ पीडीएफ लेके रख लोगे कुछ नहीं होने वाला उसका। तो पूरा का पूरा वीडियो देखो, क्वेश्चन कॉपी में नोट करो, प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है फटाफट बताओ, जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी। इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपी एफसी। एक्सपेंडिचर से क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी। प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या बताओ, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा तो इंटरमीडिएट कॉस्ट में ऐड करना है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया होगा तो सेल्स में लेना है। एक बात का ध्यान रखना, सेल भी दिया है एक्सपोर्ट भी दिया है, तो आप लोग एक्सपोर्ट को मत लेना क्योंकि एक्सपोर्ट ऑलरेडी सेल के अंदर इंक्लूड है। हाँ अगर आपको डोमेस्टिक सेल दिया है और एक्सपोर्ट दिया है फिर एक्सपोर्ट को जरूर लेना। ओके, चेन स्टॉक मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और आईसी मतलब परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन। इनकम मेथड को निकालते वक्त आप खास ख्याल रखना। अच्छा एक चीज और बता दूं, प्रोडक्शन मेथड में आपको कई बार ना आपको सेल यूनिट्स दिया रहता है, सेल यूनिट्स, तो प्लीज सेल यूनिट्स में मल्टीप्लाई कर देना प्राइस पर यूनिट का। सेल यूनिट दिया है 200, प्राइस है 10 रुपए, तो सेल का जो अमाउंट होगा वो होगा 2000 रुपए। ठीक है, चलो अब आते हैं इनकम मेथड के ऊपर। इनकम मेथड से क्या निकलता है, इनकम मेथड से निकलता है एनडीपी एफसी, और एनडीपी एफसी को निकालने के हमारे पास है तीन कॉम्पोनेंट, सिर्फ हम इन तीन कॉम्पोनेंट को ले लेंगे तो आ जाएगा एनडीपी एफसी। सबसे पहला क्या होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ये ना दिया हो तो क्या क्या लेना है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बेटा पास हो जाना, जो भी देख रहे हो वीडियो को पढ़ के पूरा का पूरा आंसर नहीं निकाल पाओगे तो मुझे बताना, पर प्लीज बिना कोशिश किए मुझे मतलब, सर आप भी सब कुछ दे दो, कुछ खुद भी करो, खुद लिखोगे छांट छांट के आंसर तो आपको आधा तभी याद हो जाएगा, मैं दूंगा आपको मुश्किल याद होगा फिर वो। दूसरा है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट ना दिया गया हो तीन पार्ट, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा आपका प्रॉफिट्स। इन चारों को इग्नोर कर देंगे अगर आपको क्या दिया हो, फटाफट बताओ क्या दिया हो, ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा क्या होता है आपका, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करोगे एनडीपीएफसी, फिर आप कन्वर्ट कर लेना एनडीपीएफसी को एनपीएफसी में। वीडियो नेशन इनकम की है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना अगर नहीं आ रहा अभी भी, वहां डिटेल में बता गया। अभी तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो आपको पूरा टॉपिक तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, बट हाँ मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत रिविजन कराऊंगा ताकि मजा आए आपको देखने में पूरी वीडियो। अब एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना गलती यही करोगे आप, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह अगर आपको दिया हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो क्या ऐड करना मत भूलना, चेंज इन स्टॉक। जबरदस्ती का चेंज स्टॉक मत ऐड कर देना, अगर फिक्स दिया हो तो ही ऐड करना। कई बार क्वेश्चन में फिक्स नहीं दिया रहता फिर भी आपको चेंज स्टॉक ले लेते हो आप, अगर दिया है कोई आप सोचते हो क्वेश्चन में जो दिया है सबका यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कई बार बेमतलब की चीज दी होती है। और लास्ट में लेना है आपको नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर आपको सर नेट इम्पोर्ट दिया हो तो, नेट इम्पोर्ट दिया हो तो हम माइनस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो भैया पता होना चाहिए इस चैप्टर में, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तभी आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर डेप्रिसिएशन यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके, तो ये तीनों मेथड है, तीनों मेथड से न्यूमेरिकल बना लेना। न्यूमेरिकल की मैंने वीडियो बना रखी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो अगर आता है आपको तो बिल्कुल मत देखो, नहीं आता जरूर देखो पूरी की पूरी वीडियो, और कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसी सीधे मत बैठ जाया करो कि बस वीडियो देख लेंगे हम लोग हो जाएगा। कॉपी पेन लो, जो काम की चीज लगे नोट करो, अच्छा लगे लाइक करना अदरवाइज डिसलाइक मारो। सेकंड क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के जो न्यूमेरिकल है कैसे आ सकते हैं, मैं आपको तीन पोर्शन बता देता हूं। इन तीन देखो कौन सा न्यूमेरिकल आएगा ये कभी फिक्स नहीं होता, कोई ट्रेंड नहीं है इसका, बट आपको करके सारा जाना पड़ेगा। कई बार किसी के सेट में कुछ आता है, किसी के सेट में कुछ आता है। तो अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें आपको कंजप्शन फंक्शन दिया होता है सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई, कुछ लोग से सी बार बोलते हैं, सेम चीज है। एस इक्वल टू माइनस ए बार प्लस वन माइनस बी वाई। आपको सेविंग फंक्शन कंजप्शन फंक्शन दिया होगा, आपको इससे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, कंजप्शन निकालना है, सेविंग निकालना है या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला फटाफट बता दो जल्दी से, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कम ऑन, वन अपॉन एमपीएस, या अच्छा ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बोल रहे हो ये भी ठीक है, और वन अपॉन वन माइनस एमपीसी ये भी ठीक है। और इसका आंसर किसमें आता है, टाइम्स में। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, वन टू इन्फिनिटी। ओके, वन से इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है आपका, आपको दिया होगा, आपको वाई दिया होगा, आपको सी दिया होगा, ए बार दिया होगा, आपको एमपीसी निकालना होगा या एमपीएस निकालना होगा। ध्यान रखना अगर एस और आई फंक्शन दिया हो, एस और आई दिया हो या निकालने को पूछा हो तो सेविंग फंक्शन लगेगा, और अगर सी दिया हो तो कंजम्पशन फंक्शन लगेगा।
यह क्लास आपके लिए टेबल पूछ टेबल आ जाएगा, आपको वाई दिया होगा, सी दिया होगा, एपीसी और एपीएस इस तरीके से निकालना होगा, या एमपीसी और एमपीएस इस तरीके से। पेपर देख लेना जब आपका बोर्ड का आएगा, अभी तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसे सर बोल रहे हैं, पेपर देख लेना बोर्ड का, क्वेश्चन ना फंसे हो तो बताना, 13 क्वेश्चन कर लेना। मैं पेपर के बाद भी एक मैं ही ऐसा टीचर हूं जो पेपर आने के बाद भी रिव्यू निकालता हूं, मैंने लास्ट ईयर निकाला था कि कौन कौन सा मेरा बताया हुआ आया है पेपर में, तो आता है क्लास क्योंकि एक्सपीरियंस है, कोई जादू चमत्कारी पेपर लीक नहीं है, कहीं कमेंट बोल सर आप पेपर लीक करा, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। थर्ड, फंक्शन ऑफ मनी। अब मनी के फंक्शंस क्या हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, और मनी के फंक्शंस ने बार्टर सिस्टम की डीमेरिट को कैसे रिमूव किया। देयर वॉज वेरियस डीमेरिट इन बार्टर सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट डीमेरिट, लाइक डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वांट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वेल्थ, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी रिमूव ऑल दीज बैरियर, दैट्स वाई मनी इज इन्वेंटेड। मनी आया ही इसीलिए था कि बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी उन्हें खत्म किया जा सके। तो मनी के फंक्शंस कौन से होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कुछ भी खरीद सकते हो, सिर्फ क्या देना है पैसा, पहले ये सामान दो, ये सामान लो, ये सामान दो, 10 सामान ढूंढना पड़ता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। और स्टोरेज कर सकते हो सेकेंडरी के अंदर, ट्रांसफर कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, पैसा इंडिया में कहीं भी भेजो, बाहर देश तक में भेजो, कहीं भी पैसा भेज सकते हो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, या थोड़ा बहुत पैसे देकर ट्रांसफर करना हो, स्टोर करना हो पैसों को आप स्टोर कर सकते हो, फ्यूचर पेमेंट करनी हो सब कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करना है पैसों से कर सकते हो। सोचो कितना मुश्किल होगा अगर आपने किसी 10 किलो अनाज लिया है, 10 साल बाद लौटाना है, कितना लौटाओगे। मस्टर्ड ऑयल के बदले किरोसिन ऑयल ले लो, कैसे एक्सचेंज करोगे, काओ के बदले बफेलो कैसे एक्सचेंज होगा, बहुत प्रॉब्लम होती थी, सब मनी ने रिमूव कर दिया। तो तीसरा क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल मनी के फंक्शन, प्लीज याद कर लेना, अगर पास होना है तो प्लीज पढ़ लेना। अब प्लीज मुझे कोई कमेंट सेक्शन में हिम्मत बोलना कि सर आप डिमोटिवेट करो, सिर्फ पास होने के लिए बना रहे हो। भाई मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जिनको पास होना है, तुम्हें अगर 90 चाहिए 100 चाहिए उसके लिए अलग वीडियो आएगी, वो देखना जाके। फोर्थ क्वेश्चन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन। छह नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको कंजप्शन कर्व दिया होगा और आपको जो निकालना होगा वो सेविंग कर्व डायग्राम, आपको याद आ जाएगा थोड़ा बहुत भी क्लास में सुना होगा कभी। तो जितना ये ऊपर से बना है उतना नीचे से यहाँ से लाइन पास कर देना, ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, ठीक है, आप ध्यान रखना ये आएगा एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर लिखवा लेना अपनी क्लास टीचर से जाके कि इसका आंसर लिख दो, हम रट लेंगे, 4-5 बार बिना देखे लिख लो इसको, कैसे कैसे लिखना है कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, कर लो इतना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग कर्व जो है, सी क्या होता है, ए बार 1+BY, एस क्या होगा, एस का फॉर्मूला क्या होता है, y-c, c की जगह क्या लिख सकते हो, a bar by, और इसको खोलते हैं, ये डेरिवेशन देख लो, -a bar - by, क्लास में टीचर बताते सोते रहते हो तब तो पढ़ते नहीं आप, पर अभी को कम से कम पढ़ लो इसको, -a bar + 1 - b, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे y, तो ये सेविंग फंक्शन हो गया। ये तो होगा न्यूमेरिकल डेरिवेशन, और आप इसको थियोरेटिकल डेरिवेशन भी करके दिखा देना कि सेविंग फंक्शन जो है वो कैसे डिराइव होगा कंजप्शन फंक्शन से। नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक आता रहता है बहुत बार एग्जामिनेशन में, एसआई अप्रोच से कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब उस इकोनॉमी की सेविंग्स जो है और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होगी। सेविंग शुरू में माइनस में जाता है, फिर पॉजिटिव आता है जीरो के बाद, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगी इकोनॉमी, यहाँ पे आता है लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और यह है एसआई। तो वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, द इकॉनमी इज इन इक्विलिब्रियम, जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं, इकॉनमी किसमें आता है, इक्विलिब्रियम में आता है। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देखो एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि तीन एक नंबर की जो मैंने वीडियो बनाई है वो एक नंबर की वीडियो जाके देख लेना, लेकिन इसमें से भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे इसके ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर enterprises, managing public sector enterprise, ठीक है। दूसरा है economic stability, मैं सबका मतलब समझाने वाला हूँ, अभी टेंशन ना लो। economic stability, reduce inequalities between income and wealth, इसलिए ना ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए बना रहा हूँ, वो तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, ताकि कुछ तो दिमाग में जाए कैसे करना है उसको, ठीक है। और लास्ट होता है allocation of resources, ठीक है। तो शॉर्ट में मीरा याद करना, क्या याद करना, मीरा मेरा जो भी पढ़ लो, ठीक है। मेरा यानी कि M से मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, E से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, R से रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, और A से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, व्हाट इज मतलब कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव।
तो आपको तीन की जगह चौथा कुछ और दे देगा। समझ रहे हो बात को? तो आप ध्यान से समझ लेना उसको कि कौन सा बजट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहता है कि सरकार जब अपना बजट बनाती है, ध्यान रखना सरकार का जो सेंट्रल बजट होता है उसको यूनियन बजट बोलते हैं, हर साल कब बनता है, 1 फरवरी को अनाउंस कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, अभी कौन है, निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव का पहला ऑब्जेक्टिव है। जो पब्लिक कंपनी है, जो सरकार जिनको फंडिंग करती है, जिनको सरकार पैसे देती है ताकि वो पब्लिक की भलाई के लिए काम करे, अगर वो भलाई के लिए काम कर रहे तो सरकार अपने बजट में उनको फंड एलोकेट करती है, अगर वो भलाई काम नहीं कर रहे तो सरकार उनको बंद कर देती है, उनका प्राइवेटाइजेशन कर देती है। ये सरकार का बजट बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन, मंदी, डिफ्लेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार बजट बनाती है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सरकार हाई टैक्स रेट चार्ज करती है ताकि लोगों का सामान महंगा मिले, लोग डिमांड कम करें, जबकि डिफ्लेशन की सिचुएशन में सरकार टैक्स रेट लो रखती है और सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि गरीब से गरीब लोग भी डिमांड कर सके, सामान को खरीद सके। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ, अमीर गरीब के बीच का फासला, गरीब जो है वो बहुत गरीब है, उसके पास खाने तक के, कपड़े पहनने तक के, रहने के पैसे नहीं है, और जो अमीर है वो इतना अमीर है कि वो दस गाड़ी रख रहा है, 10 बंगला खरीद रहा है, तो वो अमीर बहुत ज्यादा अमीर है। तो इन दोनों के बीच का, देखो कोई भी देश तभी चल पाएगा जो अमीर गरीब सब बराबर, मतलब कि जो लोग हैं, लोगों की इनकम है वो आसपास होगी। बाहर देश में क्या होता है कि लोग आसपास कमा रहे हैं, कोई 10,000 कमा रहा है, दूसरा 9,000, तीसरा 12,000 डॉलर में या फिर किसी भी अदर करेंसी। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, गरीब है महीने का 2,000 कमा रहा है, अमीर है महीने का 20 लाख कमा रहा है, कोई 20 करोड़ कमा रहा है, कोई 100 करोड़ कमा रहा है, तो सब इतना ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा ना तो इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। सरकार क्या करती है इस सिचुएशन में, टैक्स सिस्टम को बनाती है प्रोग्रेसिव। टैक्स सिस्टम क्या बनाती है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा अमीर होगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जो जितना ज़्यादा गरीब होगा उसको सरकार उतनी सब्सिडी देगी, उतनी छूट देगी। इससे क्या होगा, सरकार टैक्स अगर अमीरों से लेगी तो अमीरों की इनकम कम हो जाएगी, गरीबों को सब्सिडी देगी तो गरीबों की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो इनकम और वेल्थ का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना सरकार टैक्स सिस्टम कैसा बनाती है, प्रोग्रेसिव, ठीक है। अच्छा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, टबैको, लिक्वर इनका प्रोडक्शन करती है उन पर हाई टैक्स, जो कंपनी खाद्य प्रोडक्ट बनाती है, फूड आइटम बनाती है, कुछ नेसेसरी मेडिसिन बनाती है, उनको लो टैक्स। तो इस तरीके से सरकार अपना बजट बनाती है, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन, इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन करेंसी, सुन लो अच्छे से कान खोल के क्या होगा इसमें, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज ऑन डेप्रिसिएशन, क्लास ये डोमेस्टिक करेंसी होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि फॉरेन करेंसी का नहीं आ सकता, मैं आपको डोमेस्टिक करेंसी समझाता हूँ फिर फॉरेन करेंसी का भी समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जब हम फॉरेन करेंसी की ज्यादा डिमांड करते हैं ना तो डॉलर महंगा हो जाता है। जैसे $1.50 का था, $1 कितने हुआ, 60 का हो गया। अगर $1 पहले 50 रुपए का था, अब डॉलर हो गया 60 रुपए का, इसका मतलब हम लोग बाहर से कम खरीदेंगे, हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन बाहर वाले तो हमारे यहाँ से इजीली खरीद पाएंगे ना। अमेरिकन पहले आता था $1 लेके, 50 रुपए का सामान लेके जाता था, अब वो सेम डॉलर लेके आ रहा है, 60 रुपए का सामान लेके जा रहा है, तो वो हमारे यहाँ से खरीद के ज्यादा ले जाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन है तो एक्सपोर्ट उस सिचुएशन में बढ़ेगा और इंपोर्ट उस सिचुएशन में घटेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑन डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से, ये है क्वेश्चन, ये होना चाहिए था कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे लिख लो आप, कोई नहीं, इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑन डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी अगर डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा या एप्रिसिएशन होगा तो उसका एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन अगर डोमेस्टिक करेंसी का होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। सेम यही आंसर इसमें होगा, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन जो होता है वही चीज हमारी करेंसी के लिए डेप्रिसिएशन है। इसमें इंडियन करेंसी कमजोर हो गई, पहले मुझे 50 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे 60 रुपए देना पड़ रहा है, तो जो हमारा रुपया है वो कमजोर हो गया, तो वो यहां से ज्यादा सामान लेके जाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट घटेगा। और अगला, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ। तो इसमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा जबकि हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर
किसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, $1.50 का था अब 40 का हो गया। पहले मुझे 50 रुपए देने पड़ते थे सेम सामान खरीदने के लिए, अब मुझे सिर्फ 40 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मैं इजीली बाहर देश से ज्यादा सामान खरीद पाऊंगा, क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया मेरे लिए, 40 रुपए का हो गया, सस्ता हो गया, तो मैं ज्यादा इंपोर्ट करूंगा, बाहर से ज्यादा खरीदूंगा, और एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वाई करेंसी डिमांडेड, वाई करेंसी सप्लाइड, और रिलेशन क्या है फॉरन एक्सचेंज रेट में और उसके डिमांड में, फॉरन एक्सचेंज रेट में और उसकी सप्लाई में, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, फॉरन एक्सचेंज मार्केट क्या, फंक्शन क्या। बट जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है, फिर मैं आपको 50 क्वेश्चन लिखवा दूं तो गारंटी कि 50 के 50 में से ही पेपर आएगा, बट लेकिन क्या है कि फिर आप कर नहीं पाओगे उसको। तो मैंने सिर्फ 13 क्वेश्चन दिए, हर रोज अगर 3-3 क्वेश्चन याद करोगे तो 4 से 5 दिन के अंदर आप पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लोगे, एक बार बिना देखे लिख लेना, टेंशन फ्री। पास तो हो, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ 27 नंबर लेके आओ, अरे तुम सब 100 में 100 लाओ, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जो बच्चे कमजोर हैं, कुछ भी नहीं पढ़ पाए पूरे साल भर, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, खुद नहीं पढ़े या और भी अदर रीजन की वजह से कम इसको कर लो यार, प्लीज शेयर कर लेना, उन लोगों का भला हो जाए जिनको, उन तक पहुंचा दो, आपकी क्लास के हर एक ग्रुप में जाके शेयर करो, जितने भी लोग देख रहे हो इसको सबके सब शेयर करो, कम से कम सबका भला हो। और मैं, मेरे लिए लाइक करो वीडियो को, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं आप लोगों के लिए, आप सबको अच्छे नंबर से पास कराना ही मेरा टारगेट है। अब ये मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया है आपको जान के, ठीक है, बट लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि 5 से 6 नंबर देके जाएगा आपको ये जो पेज है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच का डिफरेंस, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बीच का डिफरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस, फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस, ऑटोनोमस कंजप्शन एकोमोडेटिंग कंजप्शन का डिफरेंस और एकोमोडेटिंग आइटम का डिफरेंस, ट्रांजेक्शन का डिफरेंस, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। तो प्लीज ये सारे के सारे डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है, मैं आपको थोड़ा बहुत सब समझा देता हूँ। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होता है जिससे ना ही कोई सरकार की असेट कम होती है ना कोई लायबिलिटी बढ़ती है। तो कैपिटल रिसीट क्या होता है, जिससे सरकार की कोई ना कोई असेट कम होगी, नहीं तो लायबिलिटी बढ़ेगी। ये रेकरिंग नेचर का होता है या नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, ये रिकवरी ऑफ लोन डिसइन्वेस्टमेंट बोरोइंग होता है, जबकि ये टैक्स और नॉन टैक्स होता है। अब एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे सरकार की कोई असेट क्रिएट नहीं होती ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, ये रेकरिंग नेचर का होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जिससे सरकार की कोई ना कोई असेट क्रिएट हो, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी कम हो, ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। इसके एग्जाम्पल इंटरेस्ट टैक्स सब्सिडीज, इसके एग्जाम्पल क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ ए फैक्ट्री, परचेज इंपोर्ट ऑफ न्यू मशीनरी, ये सब चीज क्या है कैपिटल, और रीपेमेंट ऑफ लोन भी क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे लायबिलिटी कम होती है। बीओटी बीओपी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो नैरो कॉन्सेप्ट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस डेफिशिएंट इक्विलिब्रियम तीनों हो सकता है, जबकि बीओपी हमेशा बैलेंस रहता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर सारी चीजें आती हैं। फाइनल गुड्स विच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, चीनी घर के लिए खरीदते हो फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर यही चीनी आप अपनी दुकान के लिए खरीदो, मिठाइयां बनाते हो आप, तो वो क्या होगा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। इंटरमीडिएट गुड्स का काम जो होता है, या तो उसे दोबारा बेच देते हैं या उससे कुछ सामान बना लेते हैं, जैसे लकड़ियां खरीद के फर्नीचर बनाना, गन्ना खरीद के चीनी बनाना। फाइनल गुड्स क्या होता है, जो बिल्कुल बनके तैयार है, रेडी टू यूज, यूज करेंगे सीधे फाइनल गुड्स। कभी कभी सेम गुड फाइनल भी हो जाता है और इंटरमीडिएट भी। कैसे पता करोगे कि यूज कौन कर रहा है, आपके घर पे अगर क्लास आप एक सिलाई मशीन खरीदते हो तो वो कैसा गुड्स है, फाइनल गुड्स है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप मशीन घर के लिए खरीदते हो तो भी फाइनल गुड्स है, मशीन बिजनेस के लिए भी खरीदते हो तो भी फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर मशीन रीसेल के लिए खरीदते हो तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अगला, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर आप घर के लिए दूध खरीदते हो तो फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर यही दूध अपनी दुकान पे खरीद रहे हो आप, या फिर सामान मिठाई विठाई बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा फाइनल है कौन सा इंटरमीडिएट है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक एडवोकेट ने एक प्रिंटर खरीदा, तो ये कैसा गुड्स है उसके लिए, फाइनल, लेकिन उसमें जो पेज डलते हैं वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। स्कूल वाले चॉक डस्टर खरीदते हैं ना, चॉक डस्टर वगैरह, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो साल भर में यूज हो जाता है। लेकिन स्कूल जो बस होती है, स्कूल बस, वो क्या था, फाइनल, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा चलता है। लेकिन बस में जो पेट्रोल डलता है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, ये क्या होगा उसके लिए, फाइनल गुड्स, क्योंकि एक साल से ज्यादा चलेगा। कोयला क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। कोयला आपके घर के लिए क्या है, फाइनल गुड्स। तो ये बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फाइनल गुड्स
इंटरमीडिएट पे एक सेपरेट वीडियो बना दूं तो प्लीज मुझे बता देना, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएंगे, आप उसको देख भी पाओगे अच्छे से, यूज कर पाओगे नहीं, वो है। तो मुझे जैसा भी कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मेरी कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो प्लीज मेरे को कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको अपना प्राइवेट नंबर दे रहा हूँ, आप ध्यान रखना, कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, 9995625, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आपसे कोई पैसे नहीं मांगा जाएगा कि पेटीएम करो इतना, तब टीचर से बात होगी, मैं ही आपसे पर्सनली बात करूंगा, सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन तक के लिए मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, और भी टीचर्स आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आप मेहनत कर लो, आप पास होकर निकलोगे, आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, आप खुद सोचो, अपने माँ बाप से प्यार करते हो ना, तो प्लीज ये करो, सिर्फ मदर डे फादर डे पे फोटो लगाना माँ बाप के साथ यही प्यार नहीं होता, उनको पास होकर दिखाओ, उनकी खुशी इसी के अंदर है, ना कि उनकी फोटो ये है कि आप उनके लिए शेयर करो माई लविंग मॉम माई लविंग डैड, ये सब नहीं, उनके लिए कुछ करके दिखाओ, मेहनत करो, पास हो जाओ, अभी भी मौका है, जरूर पहाड़ नहीं तोड़ना है, लोग तो पहाड़ भी तोड़ देते हैं, आपको सिर्फ पास होकर दिखाना है। और 13 क्वेश्चन बता दिए, इससे कम मैं क्या बताऊं आपको। ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग, फटाफट बात करते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कौन सा होता है, पूरे साल बीओपी में प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन किया गया है दैट इज ऑटोनोमस, जैसे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दिस ऑल आर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। Whereas in accommodating transactions, हम रिकॉर्ड करते हैं ओनली कैपिटल नीचे के ट्रांजेक्शन को, अगर बीओपी हमारा बैलेंस नहीं है दोनों साइड तो उसको बैलेंस करने के लिए ट्रांजेक्शन किया जाता है, वो accommodating ट्रांजेक्शन होता है। स्टॉक और फ्लो, पता है ना स्टॉक और फ्लो क्या होता है, देखो स्टॉक जो होता है वो होता है कि हम किसी वेरिएबल को मेजर करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जो फ्लो होता है वो वेरिएबल हम जो मेजर करते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो स्टॉक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो होता है पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशनल नहीं होता, नॉट टाइम डायमेंशनल, फ्लो इज टाइम डायमेंशनल, पर मंथ, पर एनम, पर क्वार्टर, ये फ्लो है। अगर सिर्फ बात करें 13 जनवरी, 18 जनवरी, 26 मार्च, ये क्या आपका स्टॉक है। स्टॉक जो होता है वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट, आप नहीं बदल सकते, जबकि फ्लो क्या होता है, एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। आपका बैंक बैलेंस क्या है, स्टॉक है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी आपका बैंक बैलेंस, आपकी वेल्थ, ये सब क्या है, स्टॉक है, लेकिन डिमांड, देश की डिमांड है, सप्लाई है, जीडीपी है, नेशनल इनकम है, ये सब क्या है, फ्लो। ध्यान रखना स्टॉक और फ्लो में क्वेश्चन आपको या तो छांटने के लिए आ सकता है, एक नंबर में भी आ सकता है, या डिफरेंस पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 10वां क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। आपको पता होना चाहिए बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, कौन कौन से, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट की, तो इसमें तीन कॉम्पोनेंट आते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यूनिलैटरल ट्रांसफर। दोस्तों मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ, मैं हालांकि पढ़ा रहा हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, 2500 बच्चे से ज़्यादा पढ़ा दिए मैंने, लेकिन मैं यूट्यूब पे नया हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे प्लीज़ लाइक कीजिए, किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंटरनली जब आप मुझे सपोर्ट करते हो, मेरा और मन करता है आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अगर आप, मैं अभी 10-15 मिनट से आपको जो भी कुछ बोल रहा हूँ आपको उसी से समझ आ गया होगा कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने में और कितना इंटरेस्ट है मुझे पढ़ाने में। तो उम्मीद है आप थोड़ा सा लाइक करोगे, शेयर करोगे सबके साथ, ताकि थोड़ा बहुत मैं भी ज़्यादा लोगों के लिए और अच्छे से बेहतर कर सकूं। अपने कमज़ोर दोस्तों को प्लीज़ यार शेयर कर देना, सबका भला हो जाए, किसी का भला करते हैं तो इंटरनली एक अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो प्लीज़ आप ये काम करना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा, मैं बहुत काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अपनी क्लासेस के अलावा भी मैं तुम्हारे लिए टाइम दे रहा हूँ, तो यार इतना तो बनता है आपका। ओके, चलो, करंट अकाउंट में आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और यूनिलैटरल ट्रांसफर। अच्छा, यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है सर, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना। अगर मैं आप किसी को गिफ्ट देता हूं तो बदले में कुछ मांग नहीं सकता, यूनि मतलब एक तरफ, यूनिलैटरल मतलब कि वन साइडेड पेमेंट, ठीक है। तो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये प्लस आइटम होता है, प्लस का मतलब क्रेडिट, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो माइनस आइटम होता है, इसका मतलब डेबिट। सर एक्सपोर्ट प्लस क्यों होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से बच्चे करेंसी आती है बाहर देश से, फॉरेन करेंसी, हम बेचेंगे तभी तो करेंसी आएगी, करेंसी आएगी क्रेडिट आइटम, और करेंसी जाएगी अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो ये डेबिट आइटम। ये सर्विसेज के साथ भी है, सर हम कौन सी सर्विसेज देते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, ये सारी सर्विसेज हम बाहर से लेते हैं, बाहर से, कंसल्टेंसी, डॉक्टर, टीचर सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, हम बाहर से लेते हैं, देते हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज अगर हम लेंगे तो प्लस, और देंगे तो सॉरी अगर हम लेते हैं बाहर देश से तो माइनस, की करेंसी देनी पड़ेगी। आप देखना करेंसी का मूवमेंट क्या हो रहा है, करेंसी आ रहा है प्लस, करेंसी जा रहा है माइनस। अगर हम बाहर देश को कोई सर्विस देते हैं तो पैसा मिलेगा प्लस आइटम, और सर्विस लेंगे तो पैसा हम देंगे वो माइनस आइटम, करेंसी बाहर देश की हमारे यहाँ से चली जाएगी, क्लियर। अच्छा एक चीज और, सर्विसेज दो टाइप का होता है, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विस। अगर कोई लेबर काम कर रहा है फैक्टर सर्विसेज, आपका जहाज चल रहा है वहां से पैसा आ रहा है तो नॉन फैक्टर सर्विसेज। ओके, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी, लिया तो प्लस आइटम, दिया तो माइनस आइटम। कैपिटल के अंदर दो ही चीजें आती हैं, ध्यान रखना, एफबी, शॉर्टकट में याद करना एफबी, ये फेसबुक नहीं है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स है। बाहर देश से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए या हम लोग बाहर देश में इन्वेस्टमेंट करें, ये सब आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर। बोरोइंग देखो, अगर
उधार लिया, उधार दिया बाहर देश से या बाहर देश को, तो ये होता है आपका कैपिटल आइटम। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बाहर देश से एक मशीन खरीद के लाता हूँ तो वो करंट आइटम है। मैं अपने बाहर देश के लोगों को, मेरे रिश्तेदार रहते हैं अमेरिका में मान लो, तो मैं उनको डोनेशन देता हूँ, तो ये भी क्या होता है आपका करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर मैं बाहर देश से किसी कंपनी को खरीद लेता हूँ तो कंपनी की बिल्डिंग उठा के थोड़ी इंडिया में ले आऊंगा, वो तो वहीं रहेगा ना, तो वो किसका है, कैपिटल अकाउंट का। यानी कि जो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन हैं वो कैपिटल में आएगा, और जो करंट नेचर के ट्रांजेक्शन हैं वो आएगा किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक होता है पोर्टफोलियो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, और एक होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट। टाटा कंपनी अगर विदेश में जगुआर कंपनी खरीद के ले आती है तो ये इन्वेस्टमेंट है, इसको बोलते हैं FDI, क्योंकि जगुआर के प्राइसिंग पे टाटा कंपनी का वो राइट है। लेकिन अगर टाटा कंपनी बाहर देश के ऊबर के शेयर खरीद लेती है या वॉलमार्ट के शेयर खरीद लेती है तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको बोलेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लायर 1/MPS या 1/1-MPC विद एन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ प्लीज पढ़ लेना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग, की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। ये जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है, हालांकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है, तो आप देख लेना इसको, इसके आंसर्स को। मैंने इसके अलग से एक वीडियो बना रखी है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना इसको, पूरा का पूरा अलग वीडियो है, इसके अंदर 6 नंबर कवर है। मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ अभी आपको। अगर मान लो कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से देश में इनकम बढ़ेगी, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं कंजप्शन बढ़ाऊंगा, मेरी कंजप्शन बढ़ेगी मतलब मैं ज्यादा चीजें खरीदूंगा, किससे खरीदूंगा, दुकानदार से, उसकी भी इनकम बढ़ेगी, तो उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो भी खर्च ज्यादा करेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है इनकम कंजप्शन का, और लास्ट में पता चलता है कि इनकम 100 रुपये बढ़ा है, लेकिन सॉरी इन्वेस्टमेंट 100 रुपये बढ़ा है लेकिन इनकम उसका मल्टीपल टाइम बढ़ गया, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका वर्किंग है, टेबल है, चार्ट है, ठीक है, वो आप देख लेना, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है तो मैं अभी उसको नहीं बता रहा हूँ। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना बना देता है, कैसे वो पूरा पढ़ना है। इसके अंदर एक डिपोजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना, 1/ लीगल रिजर्व रेशियो होता है। लीगल रिजर्व रेशियो मतलब कैश रिजर्व रेशियो प्लस SLR CRR प्लस SLR LRR। तो मान लो कि आपने 1000 रुपये बैंक में जमा कराए तो बैंक 1000 रुपये का लोन नहीं दे सकती, बैंक को रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। मान लो 10% है 100 रुपये, तो बैंक कितना लोन देगा आपको, 900 रुपये। अच्छा, आप लोन लेके क्या करोगे मुझे बताओ, आप फटाफट बताओ, लोन ले क्या करोगे आप क्या कोई रखने के लिए लोन लेता है, घर पे मुझे पैसे रखने, लोन किस लिए जाता है बताओ फटाफट। लोन लिया जाता है ताकि आप अपने कर्जों की पेमेंट कर सको या कुछ खरीद सको, असेट खरीदनी हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, कोई सामान खरीदना हो, मशीन खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो कहीं भी। तो आप जिससे जिसको पेमेंट करोगे इस 900 रुपये का लोन लेने के बाद, वो अल्टीमेटली पैसा कहाँ जमा करेगा, अपने बैंक में, फिर बैंक के लिए नया डिपॉजिट हो गया, तो बैंक इसका जो है 10% 90 रुपये रिजर्व मेंटेन करेगी। लोन कितना देगी, 810, फिर 810 आपको लोन दिया, आपने किसी की पेमेंट कर दी, फिर 810 अपने बैंक में जमा कर दिए। सेम बैंक की बात नहीं कर रहा मैं, बात करूँ कमर्शियल बैंक की, सारे के सारे कमर्शियल बैंक की। तो इस तरीके से बैंक आपके पैसे को कई गुना बना देगा। अगर LRR 10% है तो कितना मल्टीप्लाई होगा, 1/10% मतलब 1/10/100 ऊपर चला जाएगा, 100/10 काट गया जाएगा 10 times। यानी कि अगर आप LRR 10% मेंटेन रखते हो तो आपका जो मल्टीप्लायर होगा वो 10 times होगा। अगर LRR 25% है, कमेंट सेक्शन में फटाफट जरूर बताना, लाइटली मत लेना आंसर, बताना पेपर में दिख जाएगा फिर तब दिक्कत होगी। अगर LRR 25% है, अगर 10% है तो 10 गुना, अगर 25% है तो कमेंट सेक्शन बताओ कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा। और LRR का और डिपॉजिट मल्टीप्लायर का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, LRR बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम होगा, LRR घटेगा तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद है ये 13 क्वेश्चन आप बनाओगे, पक्का पास हो जाओगे। पेपर में यही स्ट्रेटेजी है, यही पैटर्न है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ और आ जाए, कुछ अगर आएगा भी तो पक्की बात है इसी के अंदर से कवर होगा। फिर भी मैंने बोला है कि 27 नंबर आप सिर्फ मैक्रो पढ़ के ही ला सकते हो। इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना, लाइक करना, मैंने इतनी एफर्ट दिखा के आपको पढ़ाया इतने अच्छे से, तो प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हो कम से कम। बदले में कोई आपको चार्ज नहीं मांगा जा रहा है और ना ही मैं यूट्यूब से कुछ कमाता हूं। तो बस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, अभी शुरुआत है, तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर अप्रिशिएशन करोगे। प्लीज़ हर कोई शेयर करना, इतनी काइंडनेस दिखाना, मेरे लिए रिक्वेस्ट है आपसे। 6 नंबर गारंटी है, 6 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से फंसेगा। 3-3 के 2 फंस जाएं या 6 का 1, आएगा जरूर टॉपिक। टॉपिक में है बात इन्फ्लेशनरी गैप की। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ADAs जब बराबर है आपस में तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। AD अगर बढ़ेगा तो AD डैश हो जाएगा, और दोनों AD के जो बीच का गैप होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन गैप।
ये फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ये एक्सेस एम्प्लॉयमेंट होता है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, दोनों में से कोई दोनों नहीं पूछेगा क्लास, एक ही पूछेगा। मैंने आपको दोनों लिख के दिया है, अगर एडी कम होगा तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, डिफ्लेशनरी गैप। ये ई है, ये ई डैश है, ओके। इन्फ्लेशन गैप और डिफ्लेशन गैप होता क्या है ये बताना था आपको, और ये कैसे कंट्रोल किया जा सकता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से। तो मैं बता दूं आपको, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर साल आता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी होता है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगल मार्क में पूछा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करती है जहां पे, और फिस्कल पॉलिसी जहां कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। अब ये क्या है मॉनेटरी पॉलिसी में जो आरबीआई कंट्रोल करती है, इसकी सेपरेट वीडियो है मेरी, प्लीज आप वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक उसका, आप वो जरूर चेक कर लेना एक बार। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, मैं थोड़ा शॉर्ट में अभी आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर दो मेजर होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आता है बैंक रेट या रेपो रेट, सीआरआर या एसएलआर, और ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव के अंदर आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन और क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है, क्योंकि मैं रिविजन करा रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि अगर मैं ऐसे पढ़ा चला गया तो 3-4 घंटा हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख लो। तो आरबीआई करती क्या है, इन्फ्लेशन को और जो डिफ्लेशन है उसको कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी से। इन्फ्लेशन में बैंक रेट को बढ़ा देती है, डिफ्लेशन में कम। सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में कम। ओपन मार्केट में सेल किया जाता है सिक्योरिटी को, डिफ्लेशन में परचेज किया जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में कम कर देते हैं। मोरल सुएजन में हम आरबीआई सलाह देती है कमर्शियल बैंकों को कि किसी को लोन मत दो इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में सबको लोन दो। हालांकि फार्मर्स को इन्फ्लेशन के टाइम पे भी लोन देने के लिए मना नहीं करती आरबीआई। और क्रेडिट रेशनिंग मतलब क्या है, लिमिट लगा दो इन्फ्लेशन में लोन की, ज्यादा लोन मत दो, डिफ्लेशन में कोई लिमिट नहीं होगी। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी है, दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। सरकार खर्चा करती है पब्लिक की भलाई पे। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है, डिफ्लेशन में सरकार टैक्स रेट को कम कर देती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क की बात करें तो इन्फ्लेशन में सरकार अपना खर्चा कम कर देती है, जबकि डिफ्लेशन में सरकार खर्चा बढ़ा देती है। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन है, लोग पैसा ज्यादा है लोगों के पास, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर सरकार अपने खर्चे कम कर देगी तो लोगों को पैसा भी कम मिलेगा और लोग डिमांड भी कम करेंगे। जैसे सड़क बन रही है आपके यहाँ, बिजली का काम चल रहा है, या मेट्रो चल रहा है, रेलवे काम चल रहा है, एयरपोर्ट काम चल रहा है, तो ये सरकार के लिए खर्चा है, पर पब्लिक को तो उससे इनकम मिलती है ना। सरकार के लिए खर्चा है, पब्लिक को इनकम मिल रही है, सरकार खर्चा कम कर देगी तो पब्लिक की इनकम भी कम हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से सरकार अपने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो ये सारे के सारे 13 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। लाइक जरूर करना, मैं देखता हूँ इस वीडियो में मुझे 100+ लाइक मिलते हैं कि नहीं मिलते, मैं आप लोगों के लिए फिर इंडियन इकोनॉमी की भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा। प्लीज शेयर करो, मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को पूरे एंड तक।